एक्टर्स अभिनेता रणधीर कपूर भी कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो चुके हैं। बीते हफ्ते पहले ही रणधीर कपूर का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसके चलते उन्हें मुंबई के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रणधीर का इस वक्त इलाज चल रहा है, तो वहीं इलाज के बीच ही रणधीर कपूर को आईसीयू में भी शिफ्ट किया गया। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस दौरान रणधीर कपूर के फैंस उनकी सेहत को लेकर सलामती की दुआएं मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहत भरी खबर ये भी है कि रणधीर की हालत पहले से काफी स्थिर है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि रणधीर कपूर ने खुद स्टेटमेंट जारी किया और बताया अपनी हेल्थ के बारे में। रणधीर ने अपने इंटरव्यू में कई बड़े राज खोले। रणधीर कपूर ने बताया कि उनके साथ साथ उनके स्टाफ के 5 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें भी रणधीर ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। फिलहाल देखा जाए तो सभी का इलाज चल रहा है। इस दौरान देखा जाए तो कपूर परिवार के सदस्य रणधीर कपूर के लिए काफी चिंतित हैं। कपूर परिवार ने पिछले 2-3 सालों में अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया है, तो वहीं रणधीर कपूर भी अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए नजर आते हैं। और 74 वर्षीय रणधीर कपूर पहले से ही तंत्रिका संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, जिसके चलते रणधीर को चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और 24 घंटे उनके साथ नर्स रहती हैं और इस तरह से रणधीर कपूर का ख्याल रखती हुई नजर आती हैं नर्स। वेल, देखा जाए तो अब रणधीर कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस दौरान देखा जाए तो रणधीर की दोनों बेटियां भी उनके लिए काफ़ी चिंतित हैं। इस बात का खुलासा खुद किया है रणधीर कपूर ने। रणधीर कपूर ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनकी सेहत में अच्छी तरह से सुधार हुआ है और उन्हें शीघ्र ही अस्पताल से बाहर आ जाना चाहिए। मैं अच्छी तरह से ठीक हो रहा हूं और मुझे जल्द ही घर जाना चाहिए। फैंस के लिए ये राहत भरी खबर है, लेकिन अगर बात की जाए उनकी दोनों लाडली बेटियों के बारे में, यानी कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर के बारे में, तो दोनों ही बेटियां रणधीर कपूर और अपनी मां बबीता कपूर से बेहद प्यार करती हैं और दोनों ही बेटियां रणधीर कपूर के लिए काफ़ी चिंतित हैं। रणधीर ने बताया है कि उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं हुई, उन्हें बुखार था और रणधीर अब पहले से काफ़ी स्थिर हैं। रणधीर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी दोनों ही बेटियां उनके लिए चिंतित हैं। इतना ही नहीं, बबीता कपूर भी रणधीर के लिए काफ़ी चिंतित हैं। रणधीर ने कहा अपने इंटरव्यू में कि मुझे कभी सांस लेने में तकलीफ नहीं हुई, मुझे सिर्फ बुखार था। वहीं करीना, करिश्मा और बबीता हमारे लिए चिंतित हैं। रणधीर कपूर फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन इसके साथ साथ राहत भरी खबर है कि जल्द ही रणधीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।